एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ अपनी स्किन को लेकर के। तो प्रीवियसली वीडियो में भी आपने मेरी स्किन देखी होगी और अभी भी देख रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा करंटली मैं स्किन केयर से ऑब्सेस्ड हूँ, दैट्स वाई मेरी जो स्किन है अभी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। और यही राज है क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी से बनी हुई हूँ और घरेलू जो नुस्खे हैं वो भी आजमा रहे हूँ। तो आई एम श्योर अगर आपको भी ऐसी स्किन चाहिए तो मेरे वीडियो को रेगुलर बेसिस पर वॉच करते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक फेस वॉश की, जो कि है लैक्मे की तरफ से न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आई एम श्योर आपने इस वीडियो को देखने के पहले बहुत सारी जो वीडियोज हैं वो देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखा होगा तो ऑब्वियसली आप जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद रिव्यू चेक करोगे दूसरे यूट्यूबर्स का। ऑफकोर्स अगर आपके पैसे हैं तो आप उसको क्यों ही वेस्ट करना चाहोगे, तो मेरे ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो और इस वीडियो के थ्रू आप लेना है आपको या नहीं लेना है ये डिसाइड कर सकते हो। तो टिल दी एंड तक वीडियो बने रहिए और अच्छी लगेगी तो थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करती हूँ सबसे पहले इंग्रेडिएंट की। तो इंग्रेडिएंट में ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ, फुल्ली मेड विथ साइंस है। एथेनॉल, मिथेनॉल जो भी इंग्रेडिएंट हैं, थोड़े बहुत जो इंग्रेडिएंट है वो हम लोग जानते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ग्लिसरीन, अरंडी का तेल, परफ्यूम इसमें मिक्स किया हुआ है, और मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है ग्लाइकोलिक एसिड। तो और ज़्यादा कुछ खास इस पे इंग्रेडिएंट में मेंशन नहीं है, फुल्ली साइंस से रिलेटेड है। सो, बात करती हूँ अब इसके कि क्या वर्क करता है ऑन योर फेस। और ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है किस टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी मेंशन नहीं है, विच इज़ वेरी बैड। ब्रांड को मेंशन ये करना चाहिए था कि ऑयली स्किन वालों के लिए है या सबके लिए है और किसके है और किसके लिए नहीं है। तो उसके बाद क्लेम करते हैं ये कि आफ्टर फेस वॉश आपके जितने भी डर्ट है, पॉल्यूशन है आपके फेस पर, वो अच्छे से क्लीन कर देता है। और अगर आपने मेकअप थोड़ा बहुत भी लगाया है तो उसको क्लीन करने में आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ये कर सकता है, ठीक है। तो ब्रांड ने इसमें बहुत सारे जो रेंज हैं वो लॉन्च किए हैं, जैसे इस ग्लाइकोलिक के आपको फेस वॉश भी मिल जाते हैं, सीरम भी मिल जाते हैं, और डे क्रीम विथ मॉइस्चराइजर भी मिल जाता है, और उसके बाद आपको मिल जाता है एक सनस्क्रीन। तो अभी न्यूली लॉन्च बहुत सारे प्रोडक्ट विथ स्पेसिफिक जो इंग्रेडिएंट है उसके साथ लैक्मे कर रहा है अपने। बहुत सारे जो फेस वॉश हैं वो ग्लाइकोलिक की रेंज अलग आ रही है इनकी, तो यही सब इनमें मेंशन किया गया है इस फेस वॉश में। एज सच मुझे उतना कोई खास नहीं लगा जिससे कहा जा सके कि यस, और इंग्रेडिएंट भी आप इसकी देख ही रहे हो। तो इसमें जो इसका फोम है वो बहुत ही कम आता है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इतना लिया है, और इसको अभी मैं पूरे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, और आफ्टर दैट आप देखना खुद ही बहुत ही कम इसमें जो फोम है वो निकलती है। आफ्टर वॉश आप देख सकते हो ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा जो है ना वो झाग नहीं करता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर झाग नहीं ज़्यादा करता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वैसे तो इस पर मेंशन नहीं है कि ऑयली स्किन टाइप है या नहीं है, मुझे बस ऐसे ही रिसीव हुई थी, इसमें कोई ऊपर से कुछ नहीं था और कार्डबोर्ड वगैरह, तो बस मुझे ऐसे ही रिसीव हुई थी। तो मैंने भी बहुत सर्च किया इस पर, कहीं मुझे दिखा नहीं कि ऑयली स्किन टाइप है या नहीं है। स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए मैं बोलूँगी ये एक फेशियल क्लींजर है, तो स्पेशली जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है। तो मुझे अभी मैं फर्स्ट टाइम नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैंने अभी लाइव आपको बस दिखाया है, बिफोर मैंने यूज़ कर लिया है इसको। आपकी जो फेस है उसको बहुत ही अच्छे से डीपली क्लीन कर देते हैं, और उसके बाद जो ऑयल है वो 6 to 7 hours के लिए लॉक करके रखते हैं। इट मीन्स अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ऑयल है ना मेरे, तो मैं अपनी क्या ही कहूँ, मुझे तो अगर 3 घंटे भी कहीं फेस वॉश यूज़ किए हुए होता है तो तुरंत से यहाँ नोज एरिया पर एंड टी जोन एरिया पर जो है वो ऑयल रिड्यूस होने लगता है। तो मुझे इससे काफ़ी बेनिफिट मिला उस चीज़ में कि बहुत जो ऑयल है वो रोक करके रखा 6 to 7 hours के लिए, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अगर फ्रेगरेंस की बात करूँ तो फ्रेगरेंस उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है जो कि आप टॉलरेट ना कर सको, फ्रेगरेंस इसकी नॉर्मल है, आप इसको टॉलरेट कर पाओगे। तो ओवरऑल जो रिव्यू है वो आफ्टर यूज़ अगर आप देखोगे तो हो सकता है लिटिल बिट आपको थोड़ी ब्राइटनेस दे, क्योंकि एक फेशियल क्लींजर है इसलिए लॉन्ग टाइम जब आप इसको यूज़ करो तो,
और मुझे 1 वीक में ऐसा कुछ खास नहीं दिखा जिसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि नहीं आपको लेने चाहिए, यू हैव टू बाय, यू हैव टू ट्राई। सो इस फेस वॉश में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा। तो नॉर्मल सी फेस वॉश है जैसा कि आप यूज़ करते हो, तो जस्ट दैट काइंड ऑफ फेस वॉश। तो अगर आपको पसंद है, लैक्मे बहुत ज़्यादा पसंद है, तब आप इसको ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज जो है वो आप दूसरे फेस वॉश के साथ भी जा सकते हो, मार्केट में इससे ज़्यादा बढ़िया फेस वॉश अवेलेबल हैं। और अगर रही सवाल आपको कि ग्लाइकोलिक वाली जो चीज़, तो वो आप उसमें सीरम यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरह फेस वॉश से ज़्यादा अच्छा है कि ग्लाइकोलिक वाली जो मॉइस्चराइजर होती है वो यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप जस्ट फॉर दिस इंग्रेडिएंट आप इसको लेना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। अदरवाइज जस्ट फॉर फेस वॉश ओके ओके है, मतलब लेना है तो ले भी सकते हो, अदरवाइज ऐसा कुछ मुझे इसमें खास नहीं दिखा जैसे कि मैं रिकमेंड करूँ। तो ये रही मेरी आज की रिव्यू वीडियो, कैसे लगी आपको बताइएगा जरूर। और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिए ख्याल, बाय बाय।